स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? ए 6.00, बी 6.20, सी 6.50, डी 6.75। आंसर सी 6.50। एक्सप्लेनेशन: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के फैसले की घोषणा की। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है। अगला प्रश्न। पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है? ए सानिया मिर्जा, बी बिल्किस मीर, सी मैरी कॉम, डी पीटी उषा। आंसर बी बिल्किस मीर। एक्सप्लेनेशन: जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह जूरी का सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला भी हैं। अगला प्रश्न। नेशनल मैरिटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 3 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 5 अप्रैल, डी 6 अप्रैल। आंसर सी 5 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरिटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में समुद्री क्षेत्र के महत्व को बताता है। ये दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट है। अगला प्रश्न। काठिया गेहूँ जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आंसर डी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि उपज काठिया गेहूँ को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस फसल के लिए जीआई टैग का आवेदन साल 2022 में किया गया था। 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए संजय नायर, बी प्रकाश कालरा, सी अभय कुमार सिंह, डी आलोक रंजन। आंसर ए संजय नायर। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर को 2024-25 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह स्पाइस जेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह का स्थान लेंगे, जिन्होंने चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। एसोचैम एक गैर सरकारी व्यापार संघ है